आज हम बात करेंगे एफएमसी के इंसेक्टिसाइड फटेरा के बारे में, जिसमें आपको हम टेक्निकल नेम, डोज, फसल, प्रयोग, उपयोग व समय और उसकी कॉस्ट क्या है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेक्निकल नेम की। टेक्निकल नेम इसका होता है क्लोरोट्रानिलिप्रोड, जो कि 0.4% जीपी फॉर्म में पाया जाता है। जीपी का पूरा नाम होता है ग्रैनुलेस, मतलब ग्रैनुलेस फॉर्म में पाया जाता है। जो टेक्निकल फटेरा में पाया जाता है वही टेक्निकल कोराजेन में लिक्विड फॉर्म के रूप में पाया जाता है, इसमें दाने के रूप में पाया जाता है और दो कार्य दोनों का सेम ही रहता है। कोराजेन में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। यह मुख्य रूप से पत्ता लपेटा और पत्ता खाने वाले कीड़ों को और तनाछेदक कीड़ों को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की, कितनी मात्रा किस फसल में हमको देनी है। धान में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको देना है और गन्ना जो है उसमें 7.5 एकड़ के हिसाब से देना है। इसका प्रयोग हम यूरिया के साथ मिलाकर या बालू के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कौन कौन सी फसल में किया जा सकता है, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कपास आदि फसलें हैं। मुख्य रूप से इसका प्रयोग अपने यहाँ धान और गन्ने में किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग और समय। फटेरा का उपयोग हमें सुबह या शाम के समय करने चाहिए, यानी धूप का प्रकाश कम होना चाहिए और वातावरण ठंडा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर इसका प्राइस अलग अलग होता है, लेकिन अनुमानित इसका प्राइस 150 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपलब्ध रहता है। इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो इसका पैक 1 किलो भी आता है, 2 किलो और 4.5 किलो या 7.5 किलो का उपलब्ध रहता है। यह इंसेक्टिसाइड पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखा जाए तो यह एक प्रकार से ग्रीन लेबल उत्पाद है।